अब तू तो मुझसे गुस्सा नहीं है ना? ओ माई, ये बहुत शरीफ आदमी है, गुस्सा हो भी तो जाहिर नहीं करता है। लेकिन मैं बहुत बदमाश हूं, मैं अपना गुस्सा छिपाता नहीं हूं। मैं तेरे से गुस्सा हूं और रहूंगा। ओ माई, तू अब क्यों रोने लगी? ये तो खुशी के आंसू है पुत्र, ये खुशी के आंसू। अल्लाह ने मेरे दोनों बेटे मुझे लौटा दिए, आज मैं बहुत खुश हूँ पुत्र, बहुत खुश हूँ। चलो जी, रोटी ले आओ, रोटी खा लो। शाबाश, आप लो ना पुत्र। ले भाई जोगी मिर्च। अच्छा देखो, हमें जरा जल्दी निकलना होगा, शाम ढलते ही नहर पे नाकाबंदी शुरू कर देते हैं। आगे पीछे दौड़े दिशा मत आई है, कोटला चीपा की जी में रात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे दिशा मत आई है। लड़ेंगे भी हम ही और करेंगे भी हम, समझ गया ना तू? लेकिन हम क्या करते? रशीदे, अरे रशीद, रशीद रुक जा, रशीद क्या बात है? हाँ, इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है तू? अम्मी परेशान हूँ तो परेशान ही लगूंगा। दिमाग ठंडा रख, पहले बता क्या बात है, क्यों है इतना परेशान? मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो अब्बू है। अब्बू, कैसी बातें कर रहा है तू? अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, आप नहीं जानते कि लोग क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़ते हैं मुझे, चिढ़ाते हैं मुझे, और अम्मी मैं कुछ नहीं कह पाता। क्यों नहीं कह पाता तू कुछ? हाँ, क्या कहते क्या वो तुझे? यही कि मेरा बाप एक सच्चा मुसलमान नहीं, उसने एक हिंदू औरत का दूध पिया है। जिंदगी का पहला स्वाद है पुत्र। स्वाद? उस स्वाद ने कड़वाहट भर दी है मेरी जिंदगी में। ना रशीद, क्या जरूरत है अब्बू को कि उस औरत का दूध पिए? रशीद, तू कैसी ना समझे की बातें कर रहा है पुत्र? अरे पैदा होते ही क्या बच्चा अपनी जरूरतें समझता है? उसकी जरूरतें सिर्फ उसकी माँ समझती है, उसे मालूम होता है बच्चे को कब क्या चाहिए। अरे ना शुक्र है, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उस औरत का जिसने एक बिन माँ के बच्चे को अपना बच्चा समझा, अपने बेटे की तरह पाला उसे और मुझे जिंदगी भर की शर्मिंदगी दे दी। रशीद चुप कर जा, बड़ा मुसलमान मुसलमान बना फिरता है तू, तुझे मालूम है तू मुसलमान बना कैसे? इसलिए बना क्योंकि तेरा बाप मुसलमान था। अरे तेरे पैदा होने से पहले अल्लाह मियां ने तेरी रजा नहीं मांगी थी कि तू हिंदू घर में पैदा हो गया मुसलमान घर में। तेरे होश संभालने पे अगर मैंने तुझे ये बताया होता कि तेरा नाम रशीद नहीं रमेश है तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या तू मेरा बेटा ना रहता तब? या हम तेरे माँ बाप ना रहते? ना पुत्र ना, ये सब मजहब के साथ बात, ये सब अल्लाह मियां ने नहीं बनाए, ये सब इंसान ने बनाए। लेकिन इंसान को तो अल्लाह ने बनाया ना? समझो की बातों में मत आ रशीद, दिमाग ठंडा रख और जा, जा खेत जा, नहीं तो अब्बू कहेंगे उनकी गैर हाजिरी में हमने अपनी फसल की रखवाली नहीं की। हाँ
काकू ये याद है तुझे, हम लोग यहाँ पे नहा रहे थे तो नूरा हमारे कपड़े उठा के चली गई थी। जोगी मस्जिद याद है, तूने एक बार डराया था मुझे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो चाय जी को शिकायत कर देगा, और मैं तेरे को भी नमाज पढ़ने साथ ले गया था। चलो मेरे साथ। चल चल नमाज पढ़, तुझे जाई मारेगी फिर। अरे तुम भी चलो ना मेरे साथ। चल मुझे अकेला अच्छा ही लगता, तुम भी चलो। जोगी चल, तू भी चल मेरे साथ। और शर्फू ने घर जाके शिकायत कर दी कि तू भी नमाज पढ़ने गया। घबराना नहीं पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। पानी ले पुत्र, पानी पी ले। दिल तो बहुत है कि तेरे को कार लेके जाऊं।
और तुझे पता है अपने पीछे पुलिस पड़ी हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो सरहद पार मेरा हाल हुआ वो तेरे इधर हो। तू मुझे बुरी समझता है ना? सोचता। अरे पुत्र, प्यार और रिश्तों में मजबूरी नहीं होती, ये वक्त की परेशानी है, अल्लाह सब ठीक करेगा। तू रह तो मेरे यहाँ, मैं गांव में जाता हूँ, देखता हूँ सब ठीक है कि नहीं। रोटी भी ले आया था माई, तब तक इस भैंस का दूध निकाल के मेरे भाई को पिला देना। अरे तू फिक्र मत कर, जा अपने घर वालों से मिल के आ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। अच्छा भी आना है तो भाई लोका को कुछ दवाइयाँ मिलेंगी? आओ अपने गांव में नहीं, वो सैयद वाला में सब दवाइयाँ मिल जाती है, वहां से ले आऊंगा। दवाइयाँ लिख देता हूँ तो ले आना, कलम कागज इधर का होगा, कलम कागज नहीं नहीं है, रचीद पड़ता है, मदरसे जाना है। रहमत आ गया, रहमत। खैरियत है?